आज हम करने वाले हैं नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन को देखने से पहले, वीडियो देखने से बनाने से पहले, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटे का निशान आएगा उसे भी दबाएं ताकि जितनी भी वीडियो अपलोड की जाएँ आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए, उसको देख सकें। और इस चैनल पर आपको 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी क्लासेस के एनसीईआरटी बुक्स के सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे धीरे धीरे करके, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें किए जाएंगे जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए वो भी आपको इसमें मिलेंगे। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी आएगी उसे दबा दें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार आपको बताना किस प्रकार का है। पहले तो दशमलव रूप में लिखना है, फिर दशमलव प्रसार बताना। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, या तो शांत होता है या अनवसानी होता है। शांत कब होता है? शांत तब होता है जब हम डिवाइड करते हैं और पूरा पूरा कट जाता है, कुछ भी शेषफल नहीं बचता। जब कुछ भी शेषफल नहीं बचता तो हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार है। अनवसानी कब होता है? जब भाग करते करते वही नंबर आ जाता है जहाँ से भाग करना हमने शुरू किया था। जब भाग करते करते वही नंबर आया जहाँ से हमने भाग करना शुरू किया था तो वो कहलाती है अनवसानी। क्या कहलाती है ये? अनवसानी आवृत्ति। तो देखते हैं पहला पार्ट। 36/100 है, यानी कि 100 से भाग करना है आपको 36। 100 से भाग करेंगे 36 को, भाग नहीं हो सकता। जब भाग नहीं हो सकता तो पहली क्या लगाते हैं यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ क्या लगा लेते हैं? जीरो। 100 तिया 300, कितने बचे? 60 बचे। कुछ भी नहीं है ऊपर से उतारने के लिए। जब कुछ नहीं होता तो क्या उतार लेते हैं? जीरो। और 100 छक्के 600, पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा शेषफल। पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता तो क्या लगा लेते हैं? जीरो। अभी पूरा पूरा कट गया, कुछ भी शेषफल नहीं बचा तो हम लिख देंगे अतः 36/100 कैसी आवर्ती है? शांत आवर्ती है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। 11 से भाग करना है एक को, 11 से भाग करेंगे, भाग नहीं हो सकता तो यहाँ क्या लगा लेंगे? पॉइंट, और क्या उतार लिया? जीरो। जब हमने जीरो उतारा तो अब भी ये भाग नहीं हो सकता 11 से, 11 से भी भाग नहीं हो सकता तो क्या लगा लेते हैं? हम जीरो उतार चुके हैं, उसके बाद ये पहाड़ा नहीं पढ़ा जा रहा तो ना जाने क्या लगाते हैं हम? जीरो। उसके बाद यहाँ पर एक और जीरो। अब कितनी बार जाएगा? 11 9 99, कितने बचे? एक बचा। जहाँ से भाग करना शुरू करा था वही आ गया, जहां से भाग एक से तो शुरू करा था तो एक ही शेषफल आ गया। तो हम इस पे क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बार, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं आगे भी इसको भाग करूं तो यही आता रहेगा 09090909। ठीक है, यहां पे चेक करवाता हूं आपको, एक बार देख लेते हैं हम। जैसे यहां पर है आपका, यहां पॉइंट लगाया जीरो, पढ़ा नहीं जा सकता तो ना जाने क्या लगाते हैं? जीरो। एक और जीरो। 11 9 99, एक बचा। कुछ नहीं उतारने के लिए क्या उतार लेंगे? जीरो। पहाड़ा नहीं जा सकता, ना जाने की जीरो। एक और जीरो उतारे, कितनी बार जाएगा? 11 9 99, फिर से एक बचेगा। तो बार बार इसी तरह से आपका क्वेश्चन आता रहेगा 09090909। तो उसको बार बार ना लिख के हम इस पे क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? बार लगाते थे। ये इस बार का मतलब होता है कि बार बार क्या आएगा आपका? 09090909 आता रहेगा। तो जब आपको बताया गया था कि जब जहां से भाग करना शुरू करा अगर शेषफल वही आ जाता है तो वह आवर्ती क्या कहलाती है? पता है 1/11 अनवसानी आवर्ती है। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका। 8 चौक 32 और एक कितना जाएगा? 33/8। पहले क्वेश्चन को हमने ठीक से लिखा, सही में लिखा हुआ था 8 चौक 32 और 1। इसकी से गुणा करते हैं और ऊपर वाला जोड़ देते हैं। 8 चौक 32 और 1 33/8। 8 से क्या करेंगे हम? भाग करेंगे 33। भाग नहीं हो, भाग हो सकता है 8 चौक 32, कितना बचा? एक बचा। जब एक बचा, कुछ भी उतारने के लिए नहीं है तो क्या लगा लेते हैं यहाँ पर? पॉइंट, और यहाँ क्या लगा लेते हैं? जीरो उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, कितने बचे? 2 बचे। कुछ नहीं उतारने के लिए क्या उतार लेंगे? तो कुछ नहीं होता तो जीरो। 8 चौ 8 दूनी कितना हो गया? 16। कितने बचे? 4 बचे। कुछ नहीं उतारने के लिए ऊपर से तो क्या उतार लेते हैं? जीरो। कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40, पूरा पूरा चला गया।
तो क्या लिख देंगे, अतः 4 से ही 1/8 किस तरह की आवर्ती है जी, शांत आवर्ती है। तो आप समझ गए कि अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो आवर्ती होती है शांत आवर्ती, और भाग करते करते वही शीर्ष पर आ जाए आपका जहां से भाग करना शुरू किया जाता है वो हो जाती है अनवसानी आवर्ती। ठीक है जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये 3/13 यानी कि 13 को हम 3 को 13 से भाग कर देंगे, भाग नहीं हो सकता तो क्या लगा देते हैं, पहले ही पॉइंट लग जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा 0। कितनी बार जाएगा, 13 × 26 कितने बचे, 4 बचे। कुछ भी नहीं उतारने के लिए क्या उतार लेते हैं, 0 कितनी बार जाएगा, 8 × 8 = 39 कितना बचा, 1 बचा। कुछ नहीं है उतारने के लिए क्या उतार लेंगे, 0 उतार लिया, पहाड़ा नहीं जा सकता। जब हमने 0 उतार लिया उसके बाद भी पहाड़ा नहीं जाता तो ना जाने क्या लगाते हैं हम, 0। अब कुछ नहीं उतारने के लिए क्या उतार लेंगे, 0, क्योंकि पहाड़ा नहीं जाता तो ना जाने की 0। अब एक और 0 उतार ले, कितनी बार जाएगा, 13 × 7 = 91 कितने बचे जी, 9 बचे। कुछ नहीं उतारने के लिए 0 उतार लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 × 6 = 78 कितने बचे, 12 बचे। कुछ नहीं उतारने के लिए 0 उतार लेंगे, 13 × 9 = 117 कितने बचे, 3 बचे। जहां से भाग करना शुरू करा था वहीं आ गया, यहीं पे रोक देंगे और क्या लगा देंगे इस पे, बार, क्योंकि अब हम दोबारा से अगर इसको भाग करना चाहेंगे तो वापस यही आएगा। और हमने बताया था कि जब भाग करते करते वही आ जाए जहां से भाग करना शुरू करा था तो हम क्या कहेंगे इसको, अनवसानी आवर्ती। अतः 3/13 अनवसानी आवर्ती। ठीक है, उसके बाद 2/11 हम 11 से भाग करेंगे 2 को, नहीं हो सकता भाग तो क्या लगा लेंगे, पहले ही पॉइंट और क्या उतार लेंगे, 0। अब कितनी बार जाएगा, 11 × 11 कितने बचे, 9 बचे। कुछ नहीं है हमारे पास उतारने के लिए, क्या उतार लेते हैं, 0, 11 × 8 = 88 कितना बचा, 2 बचे। 90 में से 88 के तो 2 बचे, जहां से भाग करना कर शुरू करता वही आ गया तो क्या लगा देंगे इस पे, बार, क्या लगा देंगे, क्योंकि बार बार यही आता रहेगा। अतः 2/11 क्या है आपका जी, अनवसानी आवर्ती है। ठीक है, ये भाग करते करते अगर वही आता है जहां से भाग करना शुरू करते हो तो क्या होती है, अनवसानी आवर्ती। आखिरी भाग देख लीजिए इसका, 329 को भाग करेंगे 400 से, भाग नहीं हो सकता तो क्या लगा लेंगे, पहली पॉइंट है यहां पे 0। कितनी बार जाएगा, 8 × 32 कितने बचे, 90 बचे। कुछ नहीं उतारने के लिए तो क्या उतार लेंगे, 0, 4 × 2 = 8 यहां आगे 800 कितने बचे, 100 बचे। कुछ नहीं उतारने के लिए 0 उतार लेंगे, 400 × 2 = 800 कितने बचे, 200 बचे। कुछ नहीं उतार लेंगे 0 तो 400 × 5 = 2000 पूरा पूरा कट गया जी, कुछ नहीं बचा तो क्या ये शांत आवर्ती है। अतः 329/400 शांत आवर्ती है। ठीक है जी, इस तरह से पहले क्वेश्चन के सारे भाग हो गए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता, क्या आप जानते हैं कि 1/7 = इतना है, 1/7 = 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो देखते हैं आंसर, 1/7 = हमें दिया है 0.142857 पे बार, ये हमको उसने दिया है। हमें निकालना है पहला भाग 2/7 का दशमलव प्रसार,
बिना लंबा भाग दिए, लंबा भाग दिए बिना, तो भाग नहीं करना। तो मैं जानता हूं दो बटे सात को मैं क्या लिख सकता हूं, दो गुणा एक बटे सात को लिख सकता हूं, गुणा करेंगे तो दो एकम दो का ऊपर ही तो होगा, क्योंकि नीचे की तो नीचे होती है गुणा, नीचे तो वन ही रहेगा, कुछ नहीं है तो दो एकम दो रहेगा, यानी कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इस तरह से लिखने का फायदा क्या हुआ जी हमें, हम जानते हैं दो तो ऐसे ही रखा गुणा, एक बटे सात का मान हम जानते हैं कि एक बटे सात कितना है, ये हमें दिया है, तो एक बटे सात की जगह लिख देंगे 1 4 2 8 5 7, ये दिया है। अब इसकी इससे क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो गुणा करिए, 2 7 कितना हो गया, 2 7 14 हासिल लगा, 1 2 5 10 11 हासिल लगा, 1 2 8 16 17 हासिल लगा, 1 2 3 4 5, 2 4 8 और 2 1 2 पॉइंट, ये बाहर आ गया, ठीक है। ये इसी तरह से हम अपना क्या कर देंगे, सेकंड पार्ट कर देंगे, भाग तो हुई नहीं, गुणा करी है मैंने, तो 3 बटे 7 क्या लिख सकता है, 3 गुणा 1 बटे 7 लिखा जा सकता है, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, और 1 बटे 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 7 को हमें दे रखा है उसने 0.142857, बाबा 3 की किस्म आ गई, गुणा में आ गया, गुणा कर देंगे 3 7 21 हासिल लगे, 2 3 5 15 2 17 हासिल लगा, 1 2 1 3 8 24 1 25 हासिल लगे, 2 3 2 6 2 8 3 4 12 हासिल लगा, 1 3 3 और 1 4, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से क्या कर देंगे, 4 बटे 7 कर देंगे, 4 गुणा 1 बटे 7, 4 तो ऐसे ही रहेगा, 1 बटे 7 की जगह कितना लिख देंगे 0.142857, क्या लगा देंगे बार, और इसकी इससे क्या हो जाएगी पूरे से, गुणा कर देंगे, गुणा तो अब कर लेंगे अब आप लोग, ठीक है जी, मैं कर देता हूँ फिर भी, बाकी दो आप करेंगे, 4 7 28 हासिल लगे, 2 4 5 20 और 2 22 हासिल लगे, 2 4 8 32 और 2 34 हासिल लगे, 3 4 2 8 और 3 11 हासिल लगे, 1 4 6 16 और 1 17 हासिल लगा, 1 4 1 4 और 1 5, ये आ गया जी। इसी तरह से आप 5 बटे 7 करेंगे, इसी तरह से 6 बटे 7 करेंगे, 2 आपके लिए, ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित को P बाय Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। P बाय Q के रूप में हमें लिखना है, और कहता है बार वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि अनुसानी आवर्तीय हैं, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहली कंडीशन, जो पॉइंट होना चाहिए वो बार से एकदम पहले होना चाहिए। पॉइंट कहाँ होना चाहिए, बार से एकदम पहले होना चाहिए। अगर पॉइंट बार से एकदम पहले नहीं है, जैसे यहाँ पर बार से पहले है, यहाँ पर भी पॉइंट क्या है, बार से एकदम पहले है, लेकिन यहाँ पर बार से पहले नहीं है, यहाँ 4 बीच में आ गया, पॉइंट यहाँ होना चाहिए था जबकि यहाँ है, तो अगर ऐसा होता है तो हमें पहला सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि पॉइंट को बार से पहले लाना पड़ेगा। अब एक चीज समझिए आप, अगर कहीं पर आपका बार लिखा हुआ है, हमने बताया था कि बार का मतलब क्या होता है, कि उसको क्या लिख देते हैं हम, बार बार, उसको क्या लिख सकते हैं हम, बार बार लिख सकते हैं। बार का मतलब क्या हो गया, अभी हमने जब भाग करी थी तो बताया गया था बार आ गया, बार का मतलब क्या है, वो चीज बार बार आएगी, इसलिए उस पर क्या लगाते हैं हम, बार। और अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो 1 अंक आगे पहुंच जाती है दशमलव, जब 100 से करते हैं तो 0.2 अंक आगे पहुंच जाती है, और 1000 से करते हैं 0.3 अंक आगे पहुंच जाती है, और जब 10000 से करेंगे तो 4 अंक आगे पहुंच जाती है, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए, जब 10 से करते हैं तो 0.1 अंक आगे पहुंच जाती है, जब 100 से करते हैं तो 0.2 अंक आगे पहुंच जाती है, 1000 से करते हैं तो 3 अंक आगे पहुंच जाती है। और पॉइंट सबसे पहले हमारा कहाँ होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए हमारा बार से एकदम पहले, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, बार से पहले, ये हमें ध्यान रखना क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि पॉइंट को बार से पहले लेकर आना। तो देखिए पहला भाग हम इसका देख लेते हैं, पहले माना, क्या माना जी आपने पहले भाग में, x बराबर 0.6 बार, आपको बताया गया जिस पे होता है बार उसको लिख देते हैं हम बार बार, जितनी बार चाहो उतनी बार लिखा जा सकता है। आपको ये बताया गया था कि अगर सारी संख्या एक जैसी है तो हम 10 से गुणा करते हैं, 6 6 6 सारी संख्या एक जैसी है तो कितने से गुणा करते हैं हम,
दस से गुणा करने पर। तो देखिए दस से गुणा करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 10x और ये पॉइंट एक अंक आगे पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा 6.666, इतना पॉइंट यहां पहुंच गया। तो 3-6 रह गए, यहां पहुंच गया 3-6 रह गए, जबकि यहां कितने थे, 4 थे। तो यहां पर भी हम एक और लगा लेंगे, हम पॉइंट के बाद उतनी संख्या रखते हैं जितनी यहां होती है। एक हमने अपने पास से क्यों लगा लिया, अपने पास से नहीं लगाया है यहां पर, क्योंकि डेड एस का मतलब भी क्या है, जितने चाहो उतने लगा सकते हो। डेड एस का मतलब भी क्या है, जितने चाहो उतने लगा सकते हो। तो हमारा काम ये होगा पॉइंट के बाद उतनी संख्या रखेंगे जितनी यहां पर होंगी। उसके बाद हमेशा समीकरण एक को दो से घटाने पर, समीकरण एक को दो से घटाने पर दूसरे में से घटाना है, जिसमें से घटाना होता है उसको पहले लिखा जाता है हम जानते हैं, और जिसको घटाना है उसे बाद में लिखा जाता है। दूसरी से घटाना, जिसमें से घटाना उसको पहले, जिसको घटाना उसको बाद में। समीकरण एक को दो से घटाना है तो दो में से घटाना है तो दो वाली पहले और एक वाली बाद में। 10x में से 1x गया तो कितना हो गया, 9x, कितना हो गया जी, 9x। पॉइंट के बाद वाले बेकार हैं, हम नहीं देखते पॉइंट के बाद वाले, सिर्फ पहले वाले देखते हैं। 6 है और यहां पर क्या है, 0, 6 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 6। आप देख लीजिए क्यों नहीं देखते हम, यह है 6.6666 और यह है 0.6666। अगर मैं इसको घटाऊं भी तो क्या होगा, तो 0000 कितना बचा, 6। तो इधर वाले तो सब क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, सिर्फ पॉइंट से पहले वाले देख लेते हैं और माइनस कर देते हैं, जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हमें तो एक्स का मान निकालना, तो हम जानते हैं गुण वाली चीज कहाँ जाती है, भाग में। गुण वाली चीज कहाँ जाती है, भाग में। किसी पहाड़ से कटता है, कटता है जी, कौन से पहाड़ से कटता है जी, 3 × 6 और 3 × 9। अगर कटता है तो काट देते हैं, अगर नहीं कटता तो कोई जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए सेकंड पार्ट है 0.47 bar। आपको बताया गया था जो बार होना चाहिए वो पॉइंट बार, जो पॉइंट होना चाहिए बार से एकदम पहले, यानी कि यहाँ होना चाहिए। यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब 10 से गुणा करते हैं तो एक अंक आगे पहुंच जाते हैं। 10 गुणा क्या करने पर, 10 से गुणा करने पर, जब हम 10 से गुणा करते हैं तो ये हो गया आपका 10x और पॉइंट आगे पहुंच जाएगा बार, ये आगे जिस पर होता है बार, हम जानते हैं उसको क्या लिख देते हैं हम, बार बार, ठीक है। जैसे 10 से गुणा करी ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ये हमारा वास्तव में अब क्वेश्चन बन गया। तो अब जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था वैसे ही हम कर दिया, जिस पर बार उसको क्या लिख दिया, बार बार। सारी संख्या एक जैसी है, जब सारी संख्या एक जैसी तो क्या कर देंगे, 10 से गुणा, लेकिन यहाँ 10 से पहले कर चुके हैं हम एक बार, तो इसलिए लिखेंगे पुनः, पुनः का मतलब दोबारा, 10 से गुणा करने पर। दस से गुणा करने पर 10 धाम कितना होगा जी, 100x। 10 से यहां गुणा करेंगे, एक अंक आगे पहुंच जाएगी, ये आ गया एक अंक यहां पहुंच गई, और यहां पे दशमलव के बाद कितने साथ थे, 4। तो एक हमने अपने पास से लगा दिया, अपने पास से मतलब, क्योंकि डेड डेस का मतलब ही क्या है, जितने चाहो उतने लगा सकते हो। डेड डेस का मतलब क्या, 7, 7, 7, 7, 7। तो हमने 7 एक साथ और लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि हमने बताया था कि दशमलव के बाद जितने यहां पर संख्या होती है उतनी ही यहां रखते हैं, ठीक। उसके बाद समीकरण एक को दो से घटाने पर, एक को दो से घटाने पर, जिसमें से घटाना है उसको पहले लिख देंगे और जिसको घटाना है उसको बाद में। दूसरी में से घटाना है इसको क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे और जिसको घटाना है उसको बाद में लिख देंगे। 4.777 ये हो गया। 100x में से 10x गया तो 90x। पॉइंट के बाद वाले क्या होते हैं, बेकार होते हैं, मान लिए 47 में से 4 गया तो आपका बच्चा 43। तो x का मान कितना आ गया, 90 कहाँ जाएगा, भाग में, ये आ गया 43/90। कितना आ गया जी, 43/90 आ गया, क्लियर। अब इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट है हमारा 0.001 bar। हमने इसको x मान लिया, जिसको होता है बार, हमने बताया था उसे क्या लिख देते हैं हम, बार बार, यानी कि 001 001 001 डैश।
ये क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि ये 0 0 1 ही चलता रहेगा बार का मतलब। अब कितने अंक एक जैसे हैं, ये तीन तीन अंक एक जैसे हैं, 0 0 1 0 0 1 0 0 1। जब तीन तीन अंक एक जैसे हैं तो मैंने आपको बताया था जब सारी संख्या एक जैसी होती हैं तो 10 से गुणा करते हैं, जब दो दो संख्या एक जैसी होती हैं तो 100 से गुणा करते हैं, जब तीन तीन संख्या एक जैसी होती हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। तो तीन तीन संख्या एक जैसी है तो 1000 से गुणा, 1000 से गुणा करने पर, जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000x। पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगी, जब हमने बताया जब 10 से गुणा करते हैं तो पॉइंट एक अंक आगे पहुंच जाती है, 100 से करते हैं तो 2 अंक, और 1000 से करते हैं तो 3 अंक आगे पहुंच जाती है, यानी कि पॉइंट यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, 3 अंक आगे यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि 001.001001 ये रह गए। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद तीन जोड़े थे, तीन थे, यहाँ दो ही रह गए, तो एक और लगा लिया, डेट डेट एस, क्योंकि आपको बताया गया था दशमलव का जितनी संख्या जितने जोड़े होते हैं उतने ही यहाँ रखते हैं। अब यहाँ पॉइंट से पहले इधर ये 0 0 0, इसका तो कोई अर्थ होता नहीं तो इसे लगा गया ना लगाइए। उसके बाद समीकरण एक को दो से घटाने पर, एक को दो से क्या कर देंगे जी, घटा देंगे, जिसमें से घटाना है वो पहले आ जाएगी, 1000x पहले आ गया, जिसको घटाना है पहली को घटाना है वो बाद में आ जाएगा, बराबर इधर वाले में से इधर वाला 1.001001 और 001 को घटाना है, किसमें से जी, किसको घटाना है, इसमें से 0.001001 और 001 इसे घटाना है। 1000x में से 1x किया तो कितने बचे, 999। पॉइंट के बाद वाले हम देखते ही नहीं, सिर्फ आगे वाले देखते हैं, यहाँ है एक और यहाँ कितना है 0, तो एक में से 0 गया तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 1/999, क्योंकि हम जानते हैं गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में जाती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट कंप्लीट होकर, ये क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, आपकी प्रैक्टिस इसको अच्छे से कर लीजिएगा इसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, देखते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन सेम उसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 अभी ने करा था, कहता है 0.99999 को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सारी संख्या एक जैसी हैं, जिस तरह से हमने थर्ड का फर्स्ट पार्ट करा था 0.66666 वाला, उसी तरह से ये पार्ट भी होगा। माना x बराबर कितना, 0.99999 क्या होगा, ये फर्स्ट होगी, सारी संख्या कैसी है एक जैसी, सारी संख्या एक जैसी होती है तो आपको बताया गया था कितने से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे कितना होगा जी, 10x, 10 से गुणा करेंगे दशमलव एक अंक आगे पहुंच जाएगी, ये रह गया। पॉइंट के बाद कितने 9 थे यहाँ पे, 4-5 थे, यहाँ कितने रह गए 4, तो एक अपने पास से लगा लेंगे, अपने पास का मतलब क्या है कि डेड डेस का मतलब क्या है, जितने हो चाहो उतने लगा सकते हो, तो हमें हमने बताया था कि पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही रखते हैं, पॉइंट से पहले इधर 0 है तो उसका कोई अर्थ नहीं, से हटा दो, ठीक है। उसके बाद समीकरण एक को दो से क्या करने पर जी, घटाने पर, समीकरण एक को दो से घटाने पर घटा दीजिए, तो जिसमें से घटाना उसे पहले लिख देंगे, दूसरी में से घटाना है इसको पहले, ये हो गया 10x, पहली को घटाना है इसको बाद में, x बराबर जिसमें से घटाना से पहले लिखेंगे 0.99999 घटाना किसको है जी, 0.99999 इसे घटाना, 10x में से 1x गया कुछ नहीं है तो एक ही है यहाँ पर, 10x में से 1x गया तो 9x। पॉइंट के बाद वाले हमने कहा था देखने की जरूरत नहीं हमें, सिर्फ पहले वाले देखते हैं, यहाँ है 9 और यहाँ है 0, 9 में से 0 गया तो 9 आ गया, x बराबर कितना आ गया जी, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में, गुणा वाली चीज भाग में जाती है, तो कितना आ गया, 9 से 1 9 कट जाएगा, 9 एकम काट लो, 9 एकम 9, ठीक है, तो इस तरह से आपका x आ गया 1, इसने आपने इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख दिया, कितना आ गया 1, तो बटे में 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट हो गया है, और इसे अच्छे से देख लें कर लें। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, भाग करना है हमें और देखना है कि कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति आएगी, यानी कि जहां से भाग करना शुरू करेंगे वही आ जाएगा,
तो देखते हुए 17 से भाग करना है हमें एक को, भाग नहीं हो सकता, एक तो हो जा नहीं सकता 17 से, तो क्या लगाते हैं यहाँ पहले पॉइंट लग जाएगा और यहाँ जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब भी नहीं हो सकता तो ना जाने क्या लगाते हैं, जीरो, ना जाने की जीरो लगा दिया और एक और जीरो उतार लिया, कितनी बार जाएगा 17 पंजे 85, कितने बचे 15 बचे, कुछ नहीं उतारने के लिए क्या लगा लेंगे, जीरो उतार लेंगे, 17 अट्ठे 136, 14 बचे कुछ नहीं उतारने के लिए जीरो उतार लेंगे, 17 अट्ठे 136, 4 बचे कुछ नहीं उतारने के लिए जीरो उतार लेंगे, 17 दूनी 34, 6 बचे जीरो उतार लिया, 17 तिया 51, 9 बचे जीरो उतार लिया, कितनी बार जाएगा 17 पंजे फिर से 85, 5 बचे कुछ नहीं उतारने के लिए जीरो उतार लिया, 17 दूनी 34, 16 बचे कुछ नहीं उतारने के लिए तो जीरो उतार लिया, 17 निम्मा 153, कितने बचे 7 बचेंगे, नीचे को जगह थोड़ी कम है इसलिए हम यहां कर रहे हैं, आप या 7 एक बार कर लिया, 7 बचा कुछ नहीं उतारने के लिए जीरो उतार लेंगे, कितनी बार जाएगा 17 चौके 68, कितने बचे 2 बचे, 2 नीचे जगह नहीं है इसलिए क्या उतार लिया 2, यहां उतार लिया, आप यहीं करेंगे 2 बचे कुछ नहीं उतारने के लिए क्या उतार लेंगे 0, और 17 एकम 17, कितने बचे 3 बचे जीरो उतार लिया, 17 एकम 17, 13 बचे जीरो उतार लिया, 17 सत्ते 119, कितने बचे जी आपके 11 बचे जीरो उतार लिया, 17 छिक्के 102, आपने 8 बचे कुछ नहीं उतारने के लिए जीरो उतार लिया, 17 चौके 68, 12 बचे क्या उतार लेंगे जीरो उतार लेंगे, और कितनी बार जाएगा 17 निम्मा 117, कितने बचे जी आपके 3 बचे, 117, 117, 117, 117, 117, 119, कितना बचा 1 बचा, तो जहां से भाग करना शुरू करा था वही आ गया, तो क्या लगा देंगे हम इस पे, अब बार लगा देंगे जहां से भाग करना शुरू करते हैं वो आ जाता है, तो कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी जी, कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 अंकों के बाद अंकों की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक है जी, यहाँ लिख लेंगे आप जो है 16 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कुछ है नहीं, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सीधे। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन कहता है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, अनवसानी आवर्ती नहीं है, अनवसानी अनावर्ती हो, ये आपको देख रहा है। तो आवर्ती के अंदर क्या होता है कि रिपीटेशन होता है, बार बार वही चीज आती है, इसके अंदर रिपीटेशन नहीं होता, नंबर ऑफ जीरो आप बढ़ा सकते हैं इसके अंदर, या कोई भी अदर नंबर आप इसमें बढ़ा सकते हो। तो 3 संख्या लिख लें, 3 संख्या कोई सी भी 3 संख्या आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लिखने का तरीका देखिए क्या क्या है, 3 अनवसानी अनावर्ती आप लिख सकते हैं, अनावर्ती 0.1, 101, 201, 301 और 401, डैश डैश डैश, इस तरह से नंबर ऑफ जीरोस बढ़ती जाती है। पहली संख्या होगी ठीक है जी 202, 002, 302 और 40, ठीक है जी, उस तरह से 303, 003, 003, 003, 403, डैश डैश डैश, जरूरी नहीं कि आप यही संख्या लिखें, आप यहाँ पे 7, 7, 7 लिख सकते हैं, 8, 8, 8 लिख सकते हैं, 9, 9, 9 लिख सकते हैं, कोई सी भी 3 संख्या लिखें, कोई सी भी 3 संख्या अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखना चाहो लिख दो, 3 तर में अनवसानी अनावर्ती संख्याएं, ठीक है, ये 3 संख्या हो गया। आप 3 संख्या जरूर नहीं कि एक एक लिखे, आप यहाँ पे आप 5 लिख सकते थे, यहाँ 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, लगातार लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे आप जो 5 लिख दें, यहाँ आप 9 लिख दें, यहाँ आप 7 लिख दें, कुछ भी जो दिल करे वो लिख सकते हैं, 3 संख्या लिखनी आपको, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, तो देखिए आपसे वो अगला क्वेश्चन में कहता है, 8वें क्वेश्चन में कहता है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
अपरिमेय संख्याएं अनवसानी अनावर्ती संख्या को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच में, वहां तो आपको कोई कंडीशन नहीं थी, सिर्फ तीन संख्या लिखनी थी इससे पहले क्वेश्चन में, तो यहां पर आपको बोल दिया कि इन दोनों के बीच में ही तीन अपरिमेय संख्या आनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे 5/7। तो पहले इसको भाग कर लीजिए, संख्या पता कीजिए ये है क्या। 5 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0, 7 × 7 = 49, कितना बचा, 1 बचा, कुछ नहीं उतारने के लिए तो 0 उतार लेंगे, 7 × 7 = 7, 3 बचे कुछ नहीं उतार लेंगे 0 उतार लेंगे, और 7 × 4 = 28, 2 बचे कुछ नहीं उतारने के लिए 0 उतार लेंगे, और 7 × 2 = 14, 6 बचे कुछ नहीं उतारने के लिए 0 उतार लिया आपने, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 4 बचे 0 उतार लिया, और 7 × 5 = 35, कितने बचे जी 5 बचे। जहां से भाग करना शुरू करा था वही आ गया, तो क्या लगा देंगे इसके ऊपर बार लगा देंगे 0.714285, ये नंबर आपका हो गया। 9/11 है, 11 से भाग कीजिए आप 9 को भी, कितना आएगा जी, नहीं जा सकते हैं पॉइंटर यहाँ 0, कितनी बार जाएगा 11 × 8 = 88, कितने बचे 2 बचे कुछ नहीं उतारने के लिए 0 उतार लिया, और 11 × 1 = 11, 9 बचे जहां से भाग करना शुरू करता वही आ गया, तो क्या लगाते हैं बार लगाए। यहां आपने देखा जब इसको भाग करा तो आपका आया 0.714285, यानी कि 72 से तो छोटा है लेकिन 71 पॉइंट से कुछ आगे है, 71 से थोड़ा बड़ा है, ये आ गया आपका 81.81। ठीक है, तो इनके बीच में लिख देंगे अब आप, क्योंकि 71 और 81 के तो कई सारी संख्या आती है, 10 संख्या तो आती है कम से कम, तो लिखेंगे अतः 5/7 और 9/11 के बीच बीच 3 अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये रफ वर्क है, आप ये मिटा सकते हैं, इसको कहीं पे भी आप कर सकते हैं। संख्या कौन कौन सी हो गई, आप 71 से बड़ा 72 लिख दें, 72 0 72 2 0 72 3 0 72 ……… आप 73 लिख सकते हैं, 73 0 73 00 73 3 0 73, आप 74 लिख सकते हैं, 74 0 0 74 3 0 74। अब जरूर नहीं कि आप जो 72 73 74 ही लिखें, आपको 71 और 81 के बीच में लिखनी है, आप जो है यहाँ पर 75 लिख सकते हैं, 76 लिख सकते हैं, 77 लिख सकते हैं, 78 लिख सकते हैं, 89 लिख सकते हैं, कोई से भी 80 भी लिख सकते हैं, सिर्फ 71 और 81 के क्या आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तरीका यही रहेगा अनवसानी संख्या की तरह, अनवसानी अनावर्ती की तरह, जैसे अब अपरिमेय संख्या उन्हीं को बोला था, और मैंने आपको बताया था अनवसानी अनावर्ती में नंबर ऑफ जीरोज बढ़ते रहते हैं, पहले 1 0 बढ़ा, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, और बाकी नंबर टर्म क्या आते हैं रिपीट करती रहती है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन नंबर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्या है अपरिमेय और उपरिमेय, और कौन कौन संख्या है अपरिमेय। तो यह है √23, हम ये जानते हैं जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकती वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, और √23 का कोई जोड़ा बनता नहीं है, किसी पहाड़े में आता नहीं है, इसलिए क्या हो गई आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, 225 रूट के अंदर, 225 का हम जानते हैं, 225 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 15 × 15, और जिसका जोड़ा बन जाता है उसकी एक ही संख्या बाहर आती है, जो रूट से बाहर आ जाती है वो क्या होती है परिमेय संख्या, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये क्या होगी आपकी परिमेय संख्या। ये भाग पूरा पूरा रुक गया, पूरा जो कट जाता है वो क्या होती है परिमेय संख्या, शांतावर्ती यानी के परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 0.3796, अगर हमें पॉइंट हटाना पड़े तो पॉइंट की जगह 1 लग जाता है, और जितने भी इधर अंक होते हैं उनकी जगह लग जाती है 0, तो ये तो क्या हो गया p अपॉन q की फॉर्म में हो गया, और जो p बटे q के रूप में आ जाता है उसे क्या कहते हैं हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, ये आ गया, इस पर लिखा हुआ बार बार बार, हम देख रहे हैं इसमें रिपीटेशन है, 478 478, यानी कि इस पर क्या लग जाएगा बार लगा सकता हूँ मैं, और जिस पर लगा होता है बार हमने उसको p बाय q के रूप में लिखा था, तो यानी कि ये भी क्या होगी परिमेय, जो p बाय q के रूप में है तो क्या होगी परिमेय संख्या। अब पांचवा पार्ट, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो अभी हमने पढ़ा था जो अनवसानी अनावर्ती,
ये वही तो है अनवसानी अनावर्ती, और मैंने कहा था जो अनवसानी अनावर्ती होती है वही आपकी अपरिमेय संख्या होती है। इस तरह से आपके पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और जल्दी हम जो इससे अगली एक्सरसाइज करेंगे।